देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी यानी टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 2021 में अपनी कई एसयूवी तथा हैचबैक कारों को लॉन्च करने की योजनाएं बना रही है, जिसके चलते भारतीय बाजार में टाटा की एचबीएक्स से लेकर टाटा ब्लैकबर्ड जैसी जबरदस्त एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करने की उम्मीदें जताई जा रही है। इस कार के लॉन्चिंग होने का काफी दिनों से इंतजार हम सभी ग्राहक करते आ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में हम सभी के लिए पूरा होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी मशहूर सब 4 मीटर कैटेगरी की न्यू एसयूवी कार टाटा एचबीएक्स को जल्द से जल्द भारत में लॉन्च करने वाली है। इस कार को कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर कारें यानी हैरियर तथा नेक्सा के लुक साझा करते हुए डिजाइन किया गया है। टाटा एचबीएक्स का फ्रंट लुक आपको हैरियर से इंस्पायर देखने को मिलता है, जो कि काफी एग्रेसिव लुक के साथ ये कार मार्केट में आप सभी के लिए आने वाली है। तो आइए जानते हैं इस कार के बारे में कुछ डिटेल, स्पेसिफिकेशंस, इंजन डिटेल, लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। कैसा होने वाला है भारत में आने वाली इस टाटा की जबरदस्त एसयूवी का डिजाइन? तो भारत में आई टाटा मोटर की स्मॉल एसयूवी कार यानी टाटा एचबीएक्स के प्रोफाइल की बात करी जाए तो इस कार को काफी यूनिक तथा एडवांस टेक्निकों द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इस कार का लुक नेक्सा और हैरियर के जैसा डिजाइन भी किया गया है। इस कार में आपको फ्रंट पे एलईडी डीआरएल्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैरियर जैसे दिखाई देने वाले हैं। वहीं इस जबरदस्त स्मॉल एसयूवी टाटा एचबीएक्स का फ्रंट ग्रिल और एयर डैम पर दिखाई देने वाले सिग्नेचर टाइगर रोल डिजाइन इस कार को काफी ज्यादा एग्रेसिव नेक्सा की द्वारा भारत में बनाते हैं। वहीं इसकी कीमत को लेकर अंदाजा मार्केट में यही लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजार में आने वाली स्मॉल एसयूवी टाटा एचबीएक्स की स्टार्टिंग कीमत 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के अंतर्गत एक शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च की जानी है। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आप सभी के लिए साझा कर दूं कि भारत में आने वाली स्मॉल एसयूवी यानी टाटा एचबीएक्स कार के बेशक दिखने में काफी छोटी नजर आती है, लेकिन इसके पावर की बात की जाए तो ये कार कई कारों को भारत में धूल चटा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्मॉल एसयूवी टाटा एचबीएक्स में आप सभी को टाटा की ऑल्ट्रोस कार के भी कुछ फीचर्स देखने को इस जबरदस्त कार के अंदर आपको मिलने वाले हैं। यानी टाटा ने अपनी इस स्मॉल कार को कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट में लॉन्च करने का फैसला किया है। इस कार के अंदर आप सभी को ऑल्ट्रोस से लेकर हैरियर तथा नेक्सा के फीचर्स को डेवलप करके इस मॉडल को स्मॉल ग्रुप द्वारा हम सभी ग्राहकों के लिए संचालित किया है, जो कि रिजनेबल प्राइस रेंज में हम इस कार के अंदर सभी कारों के मजे ले सकते हैं। जैसे कि इस कार में आप सभी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे एडवांस फीचर्स को इस जबरदस्त स्मॉल एसयूवी के अंदर डाला गया है। इंजन तथा पावर की बात कर ले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तो इस कार के अंदर कंपनी ने अपने 1.2 लीटर की नेचुरल एसिड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है, जो कि टाटा की ऑल्ट्रोस में भी आप सभी को देखने को मिलता है, जो कि भारत की सड़कों पर आप सभी को 86 PSP की मैक्सिमम पावर के साथ 113 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। टाटा इस कार को मैन्युअली नहीं बल्कि AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ मार्केट में लॉन्च करेगी। आप सभी को बता दें कि इस कार की पहली झलक ऑटो एक्सपो 2020 में हम सभी ग्राहकों के लिए दिखाई गई थी, जिसके बाद से छोटी एसयूवी के प्रति क्रेज भारतीय बाजार में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी अब भारत में ज्यादातर लोग छोटी एसयूवीज को लेना काफी ज्यादा पसंद करते हैं तथा इस जबरदस्त स्मॉल एसयूवी कार एचबीएक्स का इंतजार काफी लंबे समय से भारत में हो रहा है। इस कार के लॉन्च होने के बाद ये कार मार्केट में कई जबरदस्त एसयूवीज कारों को टक्कर देने वाली है। कैबिन की बात करें तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा की इस छोटी माइक्रो एसयूवी के अंदर काफी एडवांस फीचर्स तथा इंटीरियर को साझा किया गया है। इस कार में आप सभी को फ्लैट बोनट स्टीयरिंग व्हील ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेदर फैब्रिक द्वारा संचालित किया गया है। साथ ही साथ भारत में आने वाली टाटा की एचबीएक्स स्मॉल एसयूवी के सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट किया गया है। इस कार का डिजाइन पूर्ण रूप से 90% तक इसके कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा मार्केट में दिखाई देता है, ये कंपनी का दावा है।
इस कार में आप सभी को टॉप डिजिटल 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑप्शन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम के साथ अलग से 7 इंच का फ्री स्टैंडर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन भी मुहैया करवाया गया है, जो कि वाकई में ही हम सभी ग्राहकों के लिए एक यूनिक बात इस कार के अंदर होने वाली है। आपकी जानकारी के मुताबिक कुछ एडवांस फीचर्स की भी बात करें तो इस कार को काफी एडवांस कुछ फीचर्स के साथ भी अपडेट किया गया है, जो कि इस जबरदस्त कार को भारत में मौजूद महंगी कारों से अलग नहीं बनाती है। इस कार के अंदर आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स के साथ क्रूज कंट्रोल के साथ सनरूफ की सुविधा सभी वेरिएंट में दिखाई देने वाली है, जो कि काफी अच्छी बात है। इस कार में साथ ही साथ आपको 2.0 एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी कार की अंदर की वायु को स्वच्छ करके आप सभी को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि इस समय में आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। टाटा मोटर्स ने अपनी इस जबरदस्त स्मॉल एसयूवी एचबीएक्स को ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया था। भारत में लॉन्च होने वाली एचबीएक्स 90% तक प्रोडक्शन रेडी मॉडल कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि चौड़े टायर, रूफ रिल और कुछ अन्य टॉप आउट छोड़कर इस कार के सभी वेरिएंट्स को इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है। यानी ऑटो एक्सपो में पेश किया गया मॉडल पूर्ण रूप से सेम होने वाला है। ये छोटी एसयूवी ऑल्ट्रोस के बाद टाटा की दूसरी मॉडल ऐसी होने वाली है, जो कि कंपनी के हाईटेक प्लेटफॉर्म यानी अल्फा मॉड्यूल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित की गई है, जो कि वाकई में ही अपने आप में एक जबरदस्त पैकेज भारतीयों के लिए होने वाला। टाटा एचबीएक्स का प्रोडक्शन वर्जन अपने कॉन्सेप्ट पर बरकरार मार्केट के लिए किया गया है। कार की लंबाई भारत में 3840 mm, चौड़ाई की बात करें तो 1822 mm, ऊंचाई की बात करें तो 1635 mm रखी गई है। इस कार का व्हील बेस भारत में 2450 mm का दिखाई देने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार को काफी एडवांस प्लेटफॉर्म द्वारा जैसा कि संचालित किया गया है, उस प्लेटफॉर्म के चलते टाटा की एचपीएक्स स्मॉल एसयूवी कार को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके रेडी किया गया है। इस कार में आप सभी को फ्रंट में 3 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ईबीडी के साथ एबीएस रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक कैमरे के साथ क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, आईएफएसओ फिक्स चाइल्ड लॉकिंग, सनरूफ जैसे अन्य सेफ्टी फीचर्स को इस कार के अंदर मौजूद करवाया गया है। यानी दोस्तों, ये कार वाकई में ही अपने हिसाब से छोटे पैकेज में हम सभी के लिए बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि इस रीजनेबल प्राइस रेंज के अंदर आप सभी को एसयूवी सेगमेंट में इससे ज्यादा जबरदस्त कार आप सभी की फैमिली के लिए नहीं मिल सकती है। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं कि भारत में टाटा एचबीएक्स के अंदर 5 लोग आसानी से बैठने के बावजूद भी इस कार में काफी अच्छा स्पेस आपको मिलता है, जो कि वाकई में ही काफी जबरदस्त बात कही जा रही है। तो इस कार की प्री बुकिंग स्टार्ट जैसे कि कर दी गई है। जो फ्रेंड्स मेरी इस जबरदस्त एसयूवी कार का पर्सनली अपने लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है। अगर आप इस कार को बुक करने का प्लान सबसे पहले दूसरे लोगों से बना चुके हैं तो अपने बॉक्स यानी कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, ताकि मैं आप सभी को नजदीकी शोरूम का एड्रेस दे पाऊँ, जहाँ पर आप विजिट करके इस कार की पूर्ण रूप से जानकारी लेकर अपनी फैमिली के द्वारा अपनी इस कार को डीलरशिप के द्वारा बुक कर सके। साथ ही साथ वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू अपडेट्स कारों के साथ। धन्यवाद।